गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट सीवीएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी फिनिश्ड अवर क्वेश्चन आंसर। नाउ टुडे वी विल राइट क्रिएटिव सॉन्ग। ओके, नाउ फर्स्ट सो स्टार्ट कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। यहाँ पर आपको जो ये पजल दी हुई है और ये इनके जो क्लूज दिए हुए हैं, इनके थ्रू आपको इस पजल को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। वह प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एरो देखना है, ये एक्रोस है कि डाउन है। डाउन मतलब नीचे, एक्रोस मतलब स्टेट। तो हम कौन से नंबर का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट नंबर का। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही और जैसे ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो लिखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो कौन सी प्रोसेस है ऐसी, रिप्रोडक्शन। तो आर लिखा है, इसके आगे लिखिए ई, पी लिखा हुआ है, आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन। कौन सी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब सेकेंड है हमारा, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। प्लांट का वो पार्ट या फ्लावर का वो पार्ट जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती है, वो कौन सा पार्ट है, तो कौन सा है वो। देखिए, हम कौन से नंबर का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेकेंड नंबर का। सेकेंड दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो वो स्पेलिंग स्टार्ट होती है एस से, तो कौन सा है वो पार्ट, स्टीमन। तो लिखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, आगे लिखिए टी ए एम ई एन लिखा हुआ, आगे लिख दीजिए एस, इसे क्या पढ़ते हैं, स्टी मंस। ठीक है, थर्ड है हमारी, विच इज द प्रोसेस वाई विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। वो प्रोसेस जिसमें सीड मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं, वो कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें सीड्स का बिखराव होता है उसे क्या बोलते हैं। हम पढ़ रहे थर्ड नंबर का सेंटेंस, थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे एक्रोस पे, उसे बोलते हैं डिस्पर्सल। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसे, डिस्पर्सल। तो डी लिखा हुआ यहाँ पे, लिखिए आगे आई एस पी ई आर ई, ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर लिखिए एस ए एल, उसे बोलते हैं डिस्पर्सल। अब देखिए फोर्थ है, दिस ग्रो डाउनवर्ड्स। जो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की साइड से ग्रो करता है उसे क्या बोलते हैं, जो नीचे की साइड ग्रो करती है प्लांट में, ऐसा कौन सा पार्ट होता है। फोर्थ नंबर देखिए, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, वो कौन सा पार्ट है, रूट्स। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आगे लिखिए डबल ओ टी, ऑलरेडी लिखा हुआ है एस लिखिए। अब देखिए हमारे फोर्थ एक्रोस कंप्लीट हो चुके हैं, अब आएंगे हम फिफ्थ डाउन लेवल पर। दिस आर द आउटर कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। ये वो पार्ट है
फ्लावर का आउटर कलर पार्ट है, तो कौन सा है? अब हमें देखना है डाउन में फिफ्थ नंबर, तो ये फिफ्थ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे फिफ्थ, तो कौन सा पार्ट है जो आउटर होता है और कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, उसे बोलते हैं पेटल्स। तो यहाँ पे बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आगे लिखे इसके ई टी ए एल एस, उसे बोलते हैं पेटल्स। अब देखिए सिक्स्थ, दिस इज अ पार्ट ऑफ सीड डिस्पर्जल, जो सीड डिस्पर्जल का पार्ट है, पार्ट मतलब भाग या हिस्सा, तो कौन सा है इसमें से सीड डिस्पर्जल का पार्ट? सिक्स नंबर देखिए, हमने चार एजेंट्स पढ़े थे, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स एंड विंड, तो हमारा कौन सा पार्ट है इसमें से एक सीड डिस्पर्सल का एजेंट? विंड। तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो बीच में क्या आएगा इसके? आई, जिसे क्या पढ़ते हैं? विंड। अब देखिए सेवंथ नंबर, द बेबी प्लांट इनसाइड द लीफ, जो बेबी प्लांट होता है उनके इनसाइड में जो लीव्स होती है वो क्या होती है, मतलब जो लीव्स की इनसाइड में जो बेबी प्लांट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेवंथ नंबर पे देखिए, यहाँ पे डाउन वर्ड दिख रहा है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो, ई एम बी आर लिखा हुआ है, वाई ओ, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। एट्थ नंबर, दिस इज अ स्पंजी फ्लावर, यह एक स्पंजी फ्लावर है, कौन सा फ्लावर है? देखिए एट्थ नंबर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एल से स्टार्ट होती है, वो कौन सा फ्लावर जिसकी स्पेलिंग एल से स्टार्ट होती है? लोटस, एल ओ टी लिखा हुआ है, आगे लिखिए यू एस, तो आगे आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।